हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको मटर की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो जितनी जानकारी हम देंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इससे आप मटर की उन्नत खेती कर पाएंगे। क्योंकि मैं 3 साल से लगातार मटर खेती करता हूँ, इसलिए आपको अपना अनुभव बताऊँगा। तो आज चलिए बात कर लेते हैं वैरायटियों की। तो किसान भाइयों, ये देखिए, ये है धान्या सीड्स की वैरायटी। ये देखिए, ग्रीन पर्ल के नाम से आती है, यही बहुत अच्छी वैरायटी है। और दूसरी वैरायटी, सबसे अच्छी वैरायटी है, वो ये है एडवांटा कंपनी की गोल्डन सीड्स। ये हाइब्रिड सीड होता है, इसके मुकाबले में कोई वैरायटी अभी तक नहीं है, हमने अब ये भी अनुभव किया है। और मार्केट में रेट भी इसका बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इसकी फली जो है बड़ी होती है। और दूसरी जो प्रजातियाँ हैं वो आप आर्किल, आज़ाद मटर 3 और पूसा प्रगति, और ये वैरायटियाँ जो है आप बो सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें इसका जो है मटर का बीज वो खेत में कम पड़ता है, यानी इसकी दूरी जो होती है पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा रखी जाती है। आप इसकी दूरी अभी हम आपको पूरा बताएंगे डिटेल में। तो इस वैरायटी को आप बोएंगे तो सबसे इसकी खासियत यही है कि आपको मार्केट रेट में ज़्यादा मिल जाता है, बीज की लागत थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन उसी हिसाब से इसका बीज भी कम पड़ता है। तो वैरायटी काफ़ी अच्छी है, मैं 3 साल से बो रहा हूँ। मटर जो है वो ठंडे मौसम की फसल है, इसकी खेती के लिए 15 से 24 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो बहुत ही उपयुक्त रहता है। और जब आप मटर बोते हैं उस समय का टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, तो अंकुरण बहुत अच्छा होता है और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। गर्मियों में इसका जो मटर का जमाव है वो अगर हो भी आता है तो उसकी जो पौधा है वो पीला पड़ने लगता है और बहुत ही कमज़ोर होता है, पौधे मरने लगते हैं। और अब बात करते हैं इसकी जो मिट्टी की है, तो इसमें जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो जीवांश युक्त, यानी खाद उसमें ज़्यादा हो, कार्बन ज़्यादा हो, और बलुई दोमट मिट्टी जो है बहुत उपयुक्त रहती है। बीज की मात्रा 15 से 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से लगती है, हाइब्रिड मटर अगर आप बो रहे हैं। और अगर आप मटर जो है देसी मटर या फिर रिसर्च वाला बो रहे हैं तो आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके बुआई के समय का। तो अगेती जो फसल होती है वो मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर में बुआई करनी चाहिए, और जो पछेती फसल लेनी है या मध्यम फसल लेनी है तो उसको मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं, यानी 15 नवंबर तक आप बो सकते हैं। और इसके बुआई जो है, अगर आप मटर घर का बो रहे हैं या भी कोई भी वैरायटी देसी वैरायटी बो रहे हैं, और वो अगर हाइब्रिड वैरायटी भी आप बो रहे हैं, अगर वो बीज उपचारित नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको कार्बेंडाजिम या मैंकोजिब से उसको जो है उपचार करके ही बोना है। अगर आप उपचार करके नहीं बोएंगे तो आप जो इसकी बीमारियां होती हैं डैम्पिंग ऑफ और जितनी फंगल डिजीज होती हैं उनसे नहीं बच पाएंगे, और इसमें बहुत जल्दी लगता है, मिल्ड्यू की समस्या इसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो ये भी ध्यान रखें कि बुआई जब आप कर रहे हैं तो उससे पहले खेत में नमी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप पलेवा करके ही इसमें जो खेत तैयार करके और उसके बाद ही मटर बोएं, ताकि जो है बहुत अच्छा इसका जमाव हो। और किसान भाइयों, जो आप रिसर्च की या देसी वैरायटी बो रहे हैं तो उसको 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट की दूरी पर लाइन बनाकर बोएं, और अगर आप हाइब्रिड बो रहे हैं तो 1.5 फुट की दूरी पर यानी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बनाएं, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें और 2-3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज बोएं बढ़िया नमी होने पर। अगर नमी कम है तो थोड़ा आप गहराई में ज़्यादा बो सकते हैं। तो अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो किसान भाइयों, आप इसमें गोबर की खाद जितनी डालेंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्शन आएगा। तो 100 क्विंटल लगभग गोबर की खाद आपको बुआई से 1 हफ्ते पूर्व या 15 दिन पहले आपको खेत में मिला देना है। और ध्यान रहे कि गोबर खाद जो है वो बहुत ही अच्छे से सड़ी होनी चाहिए, क्योंकि दीमक की समस्या ना आ पाए। और इसके साथ साथ आपको अब जब मटर की लास्ट जुताई करेंगे, खेत में पाटा लगाएंगे, तो उस समय आपको 15 से 20 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको तुरंत मिला देना है। साथ में अगर आपके यहाँ दीमक की दिक्कत आती है तो 5 किलोग्राम आप जो फिप्रोनिल आती है 0.3% GR, उसको भी आप साथ में मिला सकते हैं अगर आपके दीमक की समस्या आती है तो। और किसान भाइयों, खेत में जब आप मटर बोते हैं, सब्जी के लिए मटर बो रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि अगर आप लाइन से लाइन में नहीं बोएंगे या ज़्यादा पास पास बो देंगे तो उसमें दिक्कत ये आती है कि जब फलियाँ बनती हैं तो उस समय फ्लावर जो फूल होते हैं वो ज़्यादा झड़ जाते हैं, और फलियाँ कम बनती हैं, अगर बनती भी हैं तो उतनी क्वालिटी की नहीं बनती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि लाइन से लाइन में ही बोएं और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी मेंटेन करके रखें, तो इससे आप अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। और सिंचाई बहुत ही कम करें। अब अभी आपको हम इसका अगला वीडियो देंगे, उसमें आपको अच्छे से बताएंगे कि आगे के क्या क्या प्रोसेस करने चाहिए जिससे आप अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।